इस वीडियो में हम बात करते हैं कि Amazon FBM में हम अपना पहला प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि Amazon FBM में सेलर जो है प्रोडक्ट अपने पास रखता है, लेकिन जो स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोगों को प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपका सेलर सेंट्रल लॉ अप्रूव हो जाए, आप सेलर सेंट्रल पे लॉग इन करेंगे। जैसे ही आप लॉग इन करो, आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने पास के मार्केट्स में जाके सबसे पहले अमेजॉन एफ बी एम करने के लिए आपको तीन चीजें चाहिए, या तो फोन या लैपटॉप। आपके पास घर पे ये बॉक्सेस होने चाहिए पैकिंग के लिए, और आपके पास एक प्रिंटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक प्रिंटर और साथ में टेप होना चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं, सोल्यूशन टेप होना चाहिए, जो व्हाइट वाला आपके पास, या ग्लू जो भी हो, क्योंकि आपको जो है बॉक्स लेबल प्रिंट करना होता है और वो बॉक्स पे लगाना पड़ता है। सो एफबीएम में ये है कि बहुत ही आसान है। एफबीएम में आपको प्रोडक्ट पे बारकोड लगाने की जरूरत नहीं, बस आप जो भी प्रोडक्ट लिस्ट करते हो वो एक्टिव हो जाता है जैसे ही कस्टमर बाय करे। मेक श्योर एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट होना चाहिए। जैसे ही कस्टमर बाय करे, आपने कस्टमर को जो है वो प्रोडक्ट सेल पैक करके, कुछ मुल्कों में ये है कि आपको नियर बाय जो भी पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे ड्रॉप करोगे, लेकिन दुबई सऊदी में ये है कि अमेजॉन वाले आके आपसे खुद पिक करते हैं। आपको डिलीवरी स्केड्यूल करना पड़ेगा और अमेजॉन वाले आके आपसे उठा लेते हैं। तो अब लेट्स से कि एफबीएम में पैसा है लेकिन काम थोड़ा ज्यादा है। एफबीए में बहुत ज्यादा पैसा है लेकिन एफबीए में काम नहीं। एफबीए में जो है पूरा काम अमेजॉन करता है, पैकिंग भी आप सिर्फ अमेजॉन को माल सेंड करो, दैट्स इट। लेकिन एफबीएम थोड़ा डिफरेंट है। लेट्स से कि मैं बकाला गया, मुझे बकाला में ये ग्रीन टी मिला, राइट? सबसे पहले अपने फोन में सेलर सेंट्रल का ये ऐप डाउनलोड करो, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला ऐप, इस ऐप से क्या होगा, ये आपके फोन में इंस्टॉल होगा। इस पे अपनी अमेज़न सेलर सेंटर लॉग इन करके जब भी आप किसी बाजार या मार्केट जाओ, स्कैन पे क्लिक करोगे, जो भी प्रोडक्ट आप स्कैन करोगे अमेज़न आपको बताएगा कि अमेज़न पे कितना सेल होता है। तो वो प्रोडक्ट लो जिसमें आपको फायदा हो, लेकिन आपने उस वक्त खरीदना नहीं है, मेक श्योर। सो आपने करना क्या है कि अपने स्टोर में 100-200 प्रोडक्ट लिस्ट करके अच्छे से, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट लिस्ट करो जो आपको पता है कि रोजमर्रा हो और सेल होते हो, जैसे कि टॉयलेट पेपर हुआ, टॉवल पेपर हुआ, बच्चों का खाना हुआ, और वो प्रोडक्ट ऐड करो कि जो ब्रांड ना हो, क्योंकि अगर ब्रांड ऐड करोगे तो फिर अमेजोन आपसे इनवॉइस मांगेगा। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि जो ब्रांड है या ब्रांड नहीं है। तो ये ऐप आप जब इंस्टॉल करोगे आपके लिए बहुत ही इजी रह पाएगा ना। आप प्रोडक्ट को स्कैन करोगे, आपको बारकोड फिर डालने की जरूरत है। समटाइम एक चीज जब अमेजोन पे नहीं होती, फिर आपको न्यू लिस्टिंग करना पड़ेगा, विच इज सो इजी। सो आपका ये ऐप हुआ, ठीक है। अब आपने करना क्या है, जैसे ही आप किसी बकाला पे जाओ, लेट्स से कि आपको ये ग्रीन टी मिला, ठीक है, लेट्स से आपको ये ग्रीन टी मिला बकाले में, आपने स्कैन किया, ये अमेजोन पे $52 का है, 52, ठीक है। लेट्स से कि स्टोर पे ये 10-15 दिरहम या 20, इससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि अमेजोन पे चीजें महंगी, क्योंकि डिलीवरी का होता है उनकी जो है, और लोग बाय करते हैं। तो लेट्स से कि मैंने इसे स्कैन किया, जैसे ही मैं स्कैन करूँ एड अ प्रोडक्ट, आप यहाँ से भी कर सकते हो सेल ऑन अमेजोन, यू कैन जस्ट गो अहेड एंड क्लिक सेल, या आप यहाँ पर जैसे ही आप अपने सेलर सेंट्रल पे जाके एड अ प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पर आप यूपीसी भी टाइप कर सकते हो, EAN या SN। SN अमेजॉन की तरफ से होता है, वो ये है, लेकिन ये SN उस प्रोडक्ट पे नहीं होगा, प्रोडक्ट पे बार कोड होगा, लेकिन ये मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पर वो बार कोड टाइप करेंगे या कैमरे से स्कैन करेंगे, प्रोडक्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो अब आपने करना क्या है, हमने इस प्रोडक्ट को ऐड करना है सेल करने के लिए, आपने खरीदना नहीं है, ठीक है। तो आप सेलेक्ट कंडीशन, न्यू सेल दिस प्रोडक्ट,
आप इस पेज पर आ जाओगे, ठीक है। हमने आई विल शिफ्ट, हमने यहाँ फुलफिलमेंट चैनल को यहाँ पे चेंज करना है, आई विल शिफ्ट दिस मायसेल्फ। फिर ऊपर जाके सेलर एसकेयू में एस ट्रेडिशनल को कॉपी करके थोड़ा सा यहाँ पर पेस्ट कर, ठीक है। लोएस्ट प्राइस को है मैच करो 62, मेक श्योर कि इसमें आपका फायदा, अगर आपका फायदा ना हो दूसरा प्रोडक्ट सेल करो। अभी अमेजोन आपसे पूछ रहा है कि आपके पास कितने, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 100 है, जस्ट 100 डाल दो, 100 इज गुड, मेरे पास 100 है, सेव एंड फिनिश कर दो। जैसे ही आप सेव एंड फिनिश कर दो, ये प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा और 10-15 मिनट में ये एक्टिव हो जाएगा। तो आप ऐसी ही चीजें बार बार रिपीट करो, जैसे आपने ये टी ऐड किया, फिर जाके आप जो है आपको मार्केट में कप मिला, ठीक है। जैसे कि आपको कप्स मिले, लेट्स से कि आपको, लेट्स से कि ये कप मिला राइट बार मार्केट में, अच्छी अच्छी चीजें अपने, अगर आपको पता नहीं कि क्या सेल करना है, यहाँ पे बेस्ट सेलर भी है, लेट्स से कि बेस्ट सेलर पे क्लिक करोगे, बेस्ट सेलर पे यहाँ ब्यूटी प्रोडक्ट आपको अंदाजा हो जाएगा ना कि क्या क्या, ये देखो ये वाइप्स जो है, लेकिन अगर ब्रांड हो, आई थिंक ये ब्रांड होगा, लेट मी क्लिक ऑन इट, सेल ऑन अमेजन, देखा। तो अगर जब भी ब्रांड हो, ब्रांड को नहीं करना। ब्रांड आपको कैसे पता चलेगा कि ये ब्रांड है, लेट्स से कि गुची, लेट्स से कि मैं ये चीज अप्लाई टू सेल जब भी आ जाता है, इसे मत करो क्योंकि ये आपसे फिर इनवॉइस मांगता है। अगर 3 महीने बाद अगर आपका अमेजोन पे सेल अच्छा हुआ ना, तो अमेजोन पर आपसे ये रिस्ट्रिक्शन आपसे हटा देता है। तो वो प्रोडक्ट एड करो जो डायरेक्ट आपसे अप्लाई टू सेल ना हो। तो लेट्स से कि मुझे मार्केट, मैं मार्केट चला जाता हूँ, ठीक है। मैं मार्केट जाके मैंने वो ग्रीन टी भी ऐड किया, मैं टॉवल पेपर देख के, यू नो,